दोस्तों ये बात तो आप जानते हो कि मैं जब भी खिलाड़ी कुमार की आने वाली किसी नई फिल्म की जानकारी आप लोगों को देता हूं तो उसके साथ मुझे आप लोगों को ये भी कहना पड़ता है कि भाई इन दिनों खिलाड़ी कुमार के पास में फिल्मों की इतनी लंबी लिस्ट है कि भाई उसे याद कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार एक फिल्म का काम कर रहे होते हैं कि भैया उसी के साथ खिलाड़ी कुमार की आने वाली दो नई फिल्मों की जानकारी हम लोगों के सामने आ जाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही खबर हम लोगों के सामने आई है, तो भैया क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों खिलाड़ी के स्पीड को पकड़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ये बात तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जानती है। यानी कि भैया इस कोरोना पैंडेमिक में जिस तरीके से खिलाड़ी कुमार ने कई फिल्मों का काम कंप्लीट किया उसको देखने के बाद तो भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि भैया इन दिनों खिलाड़ी कुमार इतनी फिल्मों को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं इस कोरोना पैंडेमिक में। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार ने इसी कोरोना पैंडेमिक में सबसे पहले बेल बॉटम का काम कंप्लीट किया, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का काम कंप्लीट किया, उसके बाद में अतरंगी रे का काम कंप्लीट किया, उसके बाद बच्चन पांडे का काम कंप्लीट किया और उसी के साथ उन्होंने अपनी अगली फिल्म यानी कि राम सेतु का भी काम शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि राम सेतु को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आती कि भैया यह फिल्म अपने आखिरी फेज में आ गई कि उससे पहले एक दुखद खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया खिलाड़ी कुमार भी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। और भाई अब सुखद खबर भी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई खिलाड़ी कुमार अब कोरोना से पूरी तरीके से उबर चुके हैं और वो बहुत जल्दी ही अपनी आने वाली इन फिल्मों का काम फिर से शुरू करेंगे। यानी कि भैया राम सेतु और रक्षाबंधन, यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इन दोनों फिल्मों का काम एक साथ शुरू करेंगे खिलाड़ी कुमार। तो भैया इन दोनों फिल्मों को लेकर तो खबर हम लोगों के सामने आ चुकी थी कि भैया इसी बीच में खिलाड़ी कुमार को लेकर एक खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया बहुत जल्दी ही खिलाड़ी कुमार शुरू करेंगे उनकी आने वाली तीसरी नई फिल्म का काम। यानी कि भैया तो भैया कौन सी फिल्म, तो भैया OMG का पार्ट टू। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया इस फिल्म में फिर से एक बार भगवान के किरदार में नजर आएंगे खिलाड़ी कुमार और इस फिल्म में परेश रावल की जगह नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी। तो दोस्तों ये खबर तो हम लोगों के सामने आई थी कि भाई आज एक और खबर सामने आ गई कि भैया इन दिनों खिलाड़ी कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि बेल बॉटम को लेकर तो काफी चर्चाओं में है। इसी फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि भाई वासु भगनानी के साथ एक और फिल्म के लिए जुड़ चुके हैं खिलाड़ी कुमार। यानी कि वासु भगनानी ने खिलाड़ी कुमार एक फिल्म का कॉन्सेप्ट सुनाया और भाई वो कॉन्सेप्ट खिलाड़ी कुमार को काफी पसंद आया और उन्होंने देर ना करते हुए इस फिल्म के लिए वासु नानी को कह दिया है हाँ। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भाई जैसे ही रक्षाबंधन का काम कंप्लीट करेंगे खिलाड़ी कुमार के भैया उसके बाद खिलाड़ी कुमार अपनी इस नई फिल्म का काम भी शुरू कर देंगे 2021 में ही। यानी कि भैया बैक टू बैक राम सेतु, रक्षाबंधन और उसके बाद में वासु भगनानी के प्रोडक्शन हाउस से बनने वाली इस फिल्म का काम भी इसी साल शुरू करने वाले हैं खिलाड़ी कुमार। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई इन दिनों तो खिलाड़ी कुमार के पास में बैक टू बैक इतनी फिल्म है कि भाई वो हर एक महीने में 2022 में फिल्में दे सकते हैं सिनेमाघर में। यानी कि भैया एक वक्त फिर से ऐसा आने वाला है बॉलीवुड के मार्केट में कि भैया अपने पुराने अवतार में नजर आएंगे खिलाड़ी कुमार, यानी कि एक साल में कई सारी फिल्में देते नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया आपको खिलाड़ी कुमार की आने वाली इन फिल्मों का इंतजार कितनी बेताबी से है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।